सबसे पहले बहुत बहुत बधाई करूंगा अंजलि पांडे जी का, जिन्होंने समय निकाल के हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। ये मिस्टर एंड मिस फिल्मोरा फैशन रियलिटी शो सीज़न वन, ये रहा, ये तकरीबन 4 महीने का मेरा पूरा सफ़र रहा है और ये सक्सेस हुआ है। मैं उसके लिए सभी हमारे कंटेस्टेंट जो है, जितने हैं, सभी ने, हमारे डिज़ाइनर, हमारे कोरियोग्राफर साहिल ने, सभी ने कड़ी मेहनत की, तो जाके हम ये सीज़न वन सक्सेसफुली कर पाए हैं। आज हमारी विनर हुई हैं दिव्या शिंदे जी, फर्स्ट विनर हुई हैं, तो आज हम आपके सामने हैं। काफ़ी लोग का सहयोग मिला होगा इसको शुरुआत करने में, कौन कौन है लोग के सहयोग किए इसमें और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, हमारे टूर पार्टनर हैं दिव्यांग जी हैं और प्रेम गाड़ा जी हैं हमारे क्राउन पार्टनर, और ऐसे ब्राइड वाले हैं, सब सभी का सहयोग रहा तो हम ये कर पाए। अंजलि जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी फिल्म रिलीज हुई है, उसको लेकर भी एक्साइटेड हैं, साथ ही जो अखिलेश जी ने आपको प्लेटफॉर्म पर एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अखिलेश जी की कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, और मिस्टर एंड मिस फिल्मोरा ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में मॉडलिंग की है तो मुझे मालूम है कि ये प्लेटफॉर्म्स कितने हेल्पफुल रहते हैं, और सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं जो जीते हैं, तो हार्टली कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दी विनर्स एंड दिव्या शिंदे।
तो आई जस्ट विश देम ऑल द लक एंड बेस्ट विशेस इन लाइफ. आप भी रिव्यू करने के लिए काफी पेशेंस रखा हुआ, क्या क्या जरूरी होता है ग्लैमर इंडस्ट्री में आने का? शौक बहुत लोग को होता है यार, मॉडलिंग हो या फिल्म्स हो, क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बस यही एडवाइस है कि अपने पैशन को फॉलो करते रहें और जो डेडिकेशन है उसे बनाए रखें. ग्लैमर इंडस्ट्री बहुत टफ है, हम सब जानते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका डेडिकेशन, आपका पैशन बना रहता है, आप चलते रहते हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं क्लिक होता है और मौका मिलता है. My journey about Miss Filmora, of course, I would first like to thank Mr. Sahil sir, because he is the one who told me about this. Then of course I'm thankful to Akhilesh sir and then Yadav sir, who just guided me through the way. And through this way, when I got into auditions, I had our designer also on the way, but then I found it, they are all working in a team, and when you work with a team, it's really very nice for you to work with it. So my journey throughout this Filmora was really, really very nice, and I got many things to learn from this, of course, which will help me to go ahead. There are lots of reality things happening here, lots of fashion show pageants happening, but then how's Filmora something, what you really liked about it? I would love to be very much true. Filmora is different because when you go into any of the pageants, you find like many of the times they charge you for the choreography, for the designers, right from the registration fee they charge you. But then Filmora did not charge anything, and they were like going through the way with like very strong feeling that yes, we are doing this reality show, which will just make us feel that no, still there is something good left behind that we can walk through, and we can think about that we can get into this industry to make our name or to make our, you know, like presence. Yes, we can do something. So I find it like Filmora is different from that way, that the one who cannot afford anything, yes, they can get into this industry through Filmora. अंजलि जी, आपसे ज्यादा दिन कभी आपने कोई पेजेंट में, जैसे इन योर अर्लियर डेज है जी जी, मैम पे वॉक टू किया, अगर कोई पेजेंट में आपने कोई भाग लिया हो, एनी मेमोरी यू लाइक टू शेयर? ऑफ कोर्स आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया इन दिल्ली, एंड आई वाज आल्सो अ विनर फॉर दैट. And then further, I was a part of Mr. and Miss Globe, for which I was top 5 finalist. So I've done a lot of beauty pageants and a lot of modeling shows. So young aspiring logo ko jo is field mein aana chahte hain, maybe it's a fashion industry or Bollywood mein, kya kuch advice dena chahoge? Because hamare especially hamari country mein thode conservative hai is cheez ko lekar, to kya kahoge? कंजर्वेटिव के बारे में तो यही कहूँगी कि लाइक यू नो द पेरेंट्स हैव टू सपोर्ट अ लॉट. जैसे मेरे मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा मेरी पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है, और कंजर्वेटिव नहीं होते हैं पेरेंट्स. एक्चुअली लोग थोड़ा सा डरते हैं हमारी सोसाइटी को देखकर कि बच्चियों को नहीं जाने देते हैं, या उनका एक डर होता है. लेकिन हाँ, अगर फैमिली अच्छे से सपोर्ट करती है तो बच्चे आगे बढ़ते हैं. तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी जिसका भी पैशन है, जिनके भी बच्चों का, वो सब अपने बच्चों को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के लिए हेल्प करें. अखिल जी, सीजन 1 तो डेफिनेटली वाज सक्सेसफुल, अभी सीजन 2 की किस तरह की तैयारी है, क्या हो रहा है? सीजन 2 बहुत जल्द हम गुजरात में करने जा रहे हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, पाइपलाइन में ये है, बहुत जल्द हम डेट अनाउंस करेंगे. वहाँ पे भी हमारा यही उद्देश्य होगा. फिल्मोरा एज ए, मैं पत्रकार होने के नाते मैं एक बीड़ा उठाया हूँ कि मैं सिंगल पैसा किसी से नहीं लेता इस चीज़ के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ. हो सकेगा जितना मैं इनको पब्लिसिटी दे सकूँ दूंगा, जितना मेरे मुझसे पॉसिबल है. और जो ये गंदगी इस इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में, जो लोग आज फैशन के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं, बरगलाते हैं और किसी और गलत रास्ते पे लेके जाके ये कर देते हैं, तो मैं उन सब दीवारों को तोड़ने के लिए मैंने एक कसम खाई है कि इन सब चीज़ों को आने वाले दिनों में मैं ख़त्म करूँगा. जो भी इसके पीछे है, उन लोगों को कहीं ना कहीं सुधरना पड़ेगा. अब नहीं चलेगा, अब फिल्मोरा आ गया है, आप लोगों को बिल्कुल प्लेटफॉर्म मिलेगा. What are your plan, like आगे क्या करना है, कुछ सोचा है या बॉलीवुड में जाना है या कुछ कुछ अपने, and how will it change you also, like, you know? एक राउंड ऑफ कोर्स मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि बिफोर गेटिंग इनटू दिस शो मैं खुद मराठी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ. तो मेरा अभी नेक्स्ट मंथ में जनवरी में फिल्म रिलीज़ हो रहा है अहिल्या,
तो वो फिल्म के प्रमोशंस के लिए ऑफकोर्स ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. ऑफकोर्स जहाँ प्रमोशंस होते दे प्रमोट मी, सो प्रमोटिंग माई सेल्फ फ्रॉम दिस इज़ लाइक वेरी नाइस. मतलब ये मुझे खुद के प्रमोशन के लिए साथ साथ मेरे फिल्म के प्रमोशन के लिए भी बहुत हेल्प करेगा. अंजलि जी, ये फिल्म आपकी रिसेंटली रिलीज हुई, इसके अलावा व्हाट्स हैपनिंग, कैन यू से समथिंग अबाउट व्हाट्स योर अदर प्रोजेक्ट्स? इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज एंड अ फ्यू फिल्म्स आर ऑल्सो लाइंड अप. But they're not like, they're just lined up, we are talking about that. But the shooting of the web series has been started, so I'm working on that right now. Thank you, Anisha. Thank you. Hi, I'm, first I'll introduce myself. Hi, I'm Tanya Pirzada, celebrity fashion designer. I did the event for Filmora on the recommendation of Mr. Akhilesh Ji. And I was very happy with the girls. All the girls performed very well. They were freshers, but they had the confidence and we had to bring in their stage presence, but they all were good. How are you associating with Filmora? It was very nice experience working with Filmora, with Akhilesh Ji and also the girls. All the contestants were very cooperative and they were very nice. Being freshers, they had lot of confidence and the girls will go way ahead. And even the guys, they will go way ahead. How did you prepare yourself? There are so many lots of girls, guys, and see, each and every have a different personality, like, you know. Right. How was it like, you know, designing for them, something about their journey? Okay, the girls were all well-shaped and very nice with confidence, so I did not require a lot of, I did not have to work very hard for them. But being freshers also, they had a lot of inner confidence. They had a lot of inner confidence and they looked very good on screen also. So they were all, you know, good. And they will all go a long way. All my contestants, all the seven finalists will go a long way. And even the boys, all the seven boys will go a long way. Okay? Thank you very much, all of you. तो मिस्टर एंड मिस फिल्मोरा को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और जो हमारे पार्टिसिपेंट थे जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं, उनके लिए आगे के रास्ते खुलें, तरक्की करें, ये मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट. अब आपको क्या पूछना है आप पूछिए. आप कितनी सही शुरुआत मानते हैं इस तरह के एक नई, मुझे लगता है कि बहुत से लोग इंडस्ट्री का रुख करते हैं, बच्चे लड़कियाँ कुछ बनना चाहते हैं लेकिन गुमराही के रास्ता ज़्यादा है. नहीं, ये जो डायलॉग आप बोल रहे हैं ना कि गुमराही का रास्ता, ये जब से इंडस्ट्री बनी है और जब तक रहेगी ये डायलॉग चलता रहेगा. जिसको अपने मिशन पे निकलना है वो अपने मिशन पे जाता है, जिसको गुमराह होना है वो हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री जो है एक चीज़ जो है दूर से दिखाई दी जाती है कि ये लोग गलत कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं. जब हमारी इंडस्ट्री के बाहर आप जाएंगे ना, इससे 90% ज़्यादा दिखेगा. हम लोग दुनिया के क्रीम लोगों में हैं, जिनसे लोग मिलना भी चाहते हैं, उनको देखना भी चाहते हैं, उनको गाली भी देना चाहते हैं. तो इसलिए जो है कहीं पर कोई बुराई नहीं होती है. हर आदमी की अच्छाई बुराई अपने अंदर टिकी होती है, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ. मैं सर आप, मैं आपसे किसी बात को लेकर नाइंसाफी नहीं कर रहा हूँ. मी टू उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है. जब हम बात करते हैं क्रीम लोगों की, ये वही क्रीम लोग हैं जिन्होंने सब फसाद किया. जी, साजिद खान से लेकर नाना पाटेकर. जी 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 जी, ये तो देखिए, ये जो मी टू हुआ मैं उसका फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन उस चीज़ का फेवर मैं करता हूँ कि 18 साल के बाद याद आया, 20 साल के बाद याद आया और उसके बाद लोगों को फंसाया जा रहा है. एक मीटिंग में तो मैंने ये कहा था, सबसे पहले जो इन लोगों के फेवर में हो जो मी टू के लिए आई हैं, लेकिन इनके हस्बैंड को इनको पहले तलाक देनी चाहिए कि 18 साल के बाद उनको पता चलता है कि इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है या जो भी किया है. तो मैं इस चीज़ का, आपके साथ कुछ होता है उसी टाइम एक्शन लीजिए. आपने 20 साल और 18 साल के बाद एक चीज़ निकालते हैं, लेकिन अभी ये क्या है कि एक मी टू है और ये है, हर आदमी अपना लेके निकल पड़ता है. और जब अंदर झांकेंगे ना तो कितने मी टू निकलेंगे ये पता नहीं चलेगा. हाँ भाई, क्यों भाई नंदा की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ. क्यों भाई, मुझे राहुल की तरह मुझे माफ़ी नहीं मांगना है, समझे? तो इसलिए जो है ये जनरल है मेरा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ.
कि भाई किसी चीज़ को हुआ, आपके साथ जुल्म हुआ, तो आप आवाज़ उठाइए, 20 साल के बाद उस चीज़ को आवाज़ उठाएंगे, तो ये मैं फेवर में नहीं हूँ। बाकी मैं उनके साथ हूँ, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन 18 साल के बाद गलत हुआ वो मुझे पसंद नहीं है। मेरी अपनी राय है, पर्सनल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। देखिए, पहले तो फिल्मोरा जो है अखिलेश जी का, वो बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट किया और किया। अभी जैसे अभी जी इन्होंने बताया, अखिलेश जी ने, कि अभी फिल्मोरा आ गया है, कोई गलत काम नहीं होगा, तो उसके लिए उनको बधाई हो सबसे पहले, और मैडम को भी बधाई हो कि वो विन हुई है। मेरा ये ख्याल है कि हर किसी को कभी भी दिल से चाह होती है कुछ भी करने के लिए, अच्छा प्रोग्राम करने के लिए, वो करना चाहिए। मेरा एक मैसेज है समाज के लिए, मेरी कंपनी यही ज़्यादातर काम करती है, यानी मैं गौरंग नायक, बीजेपी मुंबई का, गुजराती सेल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट्स हमारी कंपनी है, beyatra.com ऑनलाइन कंपनी है, तो हम हर जगह जहाँ पे भी फैशन शो होते हैं, तो हर जगह हमारी कंपनी विनर्स को 2 nights 3 days दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब जगह फ्री होटल स्टे देती है, एक उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं होता है, यहाँ पे हम उनका एक उत्साह बढ़ाना चाहते हैं कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े रह के खुद अपने मर्जी से कुछ अच्छा कर पाए। और सबसे थैंक्स तो मैं जितनी भी फीमेल्स काम करती है उनकी फैमिली को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उनकी फैमिली का उनको सपोर्ट है, तब जाके वो यहाँ तक आई है। बाद में शायद वो फीमेल मैरिड है, अनमैरिड है, अनमैरिड है तो उनके मदर फादर और उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया है, और अगर वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड और उनकी जो सास ससुर जो है उन्होंने उनको सपोर्ट किया, तब जाके वो एक स्टेज पे आती है। और मुझे ये ज़्यादा खुशी होती है कि अगर कोई लेडी एक स्टेज पे आने के बाद में उनके बच्चे खुशी खुशी बोलते हैं, ये मेरी मम्मी मिस इंडिया बनी थी, ये मेरी मम्मी मिस मुंबई बनी थी या मिसेज मुंबई बनी थी। और मैं तो ये दिल से चाहूँगा कि हर लेडी को अपना जो पैशन है वो पैशन दिखाना चाहिए, हर फील्ड में आना आगे आना चाहिए, यही नहीं कि खाली ये फैशन शो वगैरह होता है, हर फील्ड में वो अपने तरीके से अपना नाम झंडे गाड़ दे, ये होनी चाहिए। अखिलेश जी, आप कहना चाहेंगे गौरव सर के बारे में, कितने आभारी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको? नहीं नहीं, मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा गौरव सर का, कि जिन्होंने बस एक फ़ोन पे उन्होंने मेरा स्वीकार कर लिया और एसोसिएट हो गए इससे शो से, तो जबकि कुछ हमारा पहले से कुछ मुलाकात नहीं था, खाली फ़ोन पे था, तो इन्होंने सपोर्ट किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। शायद उस दिन शो के दिन नहीं आ पाए थे और आज हमारे प्रेस मीट में अटेंड हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। प्रेमा जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी के बारे में और गौरव जी के बारे में? या फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू अखिलेश सर, हु हैज़ कॉल्ड एंड लाइन अप वेरी वेल, एंड इट वॉज रियली सच ए प्लेटफॉर्म वेयर वन कैन नो शो देयर टैलेंट, showcase their talent and can win the race, because you know it's a glamour world and cutthroat competition is there, so we all people, you know, looking for those platform where such a genuine decision can be taken. So I think it's such a wonderful place, and definitely it will work well and will support very well in achieving what we are desire, what we have to win, or what you are thinking, or what dream you have. So thank you all the contestant who has participated, and we all did a very well, very you know dedicated, they all are very dedicated. तो सच में ये बहुत अच्छा रहा, it was really very nice experience, हम लोगों ने बहुत अच्छा किया और आगे भी करते रहेंगे, और मेरी बहुत ही best wishes है फिल्मोरा को and all the organizers and promoters जो भी है उनको, कि वो आगे भी ऐसे ही करेंगे और जो यंगस्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रेम गढ़ा है, हम प्रेशा क्रिएशंस फर्म से, प्रेशा क्रिएशन एक फर्म है जो क्राउन्स और सैश बनाते हैं ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, सारे नेशनल इंटरनेशनल पेजेंट्स के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। रिसेंटली हम लोग ने 200 अप पेजेंट्स के साथ एसोसिएटेड किया हुआ है। हमारा मानना ये है कि क्राउन एक ज्वेलरी पीस नहीं है, एक प्राइड है जो वुमेंस को और ब्यूटीफुल्स बनाती हैं, ऑलरेडी दे आर ब्यूटीफुल बट दे आर,
और उसको संभाल के रखना है तो उस क्वालिटी के लिए हम क्राउन्स और शैश को इस तरह से बनाते हैं कि वो सालों तक संभाल सकते हैं। और मैं अखिलेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हम फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट सीज़न के साथ एसोसिएटेड हुए हैं मिस्टर एंड मिस फिल्मोरा का, और डेफिनेटली आगे भी हम एसोसिएटेड होंगे। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी काफ़ी दिलों से, एंड आफ्टर दैट क्योंकि मैंने जिनके द्वारा ये शो को जाना कि ये शो कर ये आने वाला है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, जो कि फियाम प्रोडक्शन है और साहिल सर और पंक्ति मैम है, उनके तरफ से मुझे पता चला इस शो के बारे में। फिर उनके बाद मैं अकेले सर और सर से मिली, एंड आई रियली लाइक मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एटलीस्ट पार्टिसिपेट की और उसके बाद मैं फर्स्ट रनर अप आई, एंड बहुत खुशी की बात होती है कि तुम मेहनत कर रहे हो और उसका फल भी मिल रहा है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि औरों पेजेंट के जैसे इसमें पैसे नहीं ले रहे, फ्री रजिस्ट्रेशन चार्ज है, एंड उसके बाद तुम्हें अपना रियल टैलेंट दिखाने मिल रहा है, जो तुम्हारे अंदर है तुम वो इसमें दिखा सकते हो। और इस शो का नाम है फिल्मोरा, मिस्टर एंड मिस फिल्मोरा फैशन रियलिटी शो, फिल्म से जुड़ा हुआ। तो अगर हमें आगे फिल्म में जाना है तो हम इसके द्वारा जा भी सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी आगे की उन्नति है, तो हम काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। थैंक यू। थैंक यू पूजा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर सुरैना राजन मल्होत्रा जी का, जो जज रही हमारे शो का, और बहुत ही तरीके ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्होंने शो को जज किया। मैं वहाँ तो नहीं देख पाया था, लेकिन मैं घर जाके सब सारे नंबर्स चेक किए, तो मुझे जो चाहिए था वही जजेस ने वहाँ पे किया। तो मैं मार्क्स भी सबका चेक किया, सारा सब कुछ एक एक डिटेल्स निकाल के मैंने चेक किए, तो मुझे लगा कि हकदार हैं ये लोग जज करने के, वाकई में ये लोग हकदार हैं। डॉक्टर सुरैनारायण मल्होत्रा जी, आप बताएंगे शो के बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस इनका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अखिलेश जी का आई वुड लाइक टू heartiest congratulations to him for arranging such a beautiful, wonderful show, especially for the young talent of India. I mean, I hope now he started here in Mumbai and hope it will go to Maharashtra and then to India and then later on to international, and we'll always hope that. And basically what I liked is I have known Akhilesh ji and he's always interested in the betterment of the young talent, you know, helping them. His nature is very helpful, and as we said, somebody said earlier that no charges were taken from any of the contestants. In fact, they were given tips on grooming and whatever the details she would like to tell. But I was really surprised when this young people came without even having a prior, proper training. And the confidence of them was really very infectious. They smiled, and looking at them, we smiled. We felt so nice to be there. And, it was like coming to their age and enjoying the whole event. It was wonderful. Their answers were also very wonderful. Some talked in Hindi, no doubt. That's our language. Yeah. Then some talked in English. But their confidence and the way they answered, giving appropriate answers, that was really very admirable. And I really hope all the best to him. Again, I said, I hope his events go international. And it was really worth judging, and I hope he calls us often because this is something a very enjoyable thing to us. Thank you. Mr. and Mrs. Filmora was really a big opportunity for me, basically, because I'm a fresher to this industry. This was free registration for us. You know, Sahil and Pankti had worked really very hard for grooming us, giving us a stage. Thanks to you, Akhilesh sir, who gave us a platform to, you know, just to give a start, kickstart to our career for our fashion industry. And I hope this show goes on and goes for an international level too. Thank you. And one more thing I want to add, that since I'm into politics, I'm in Nationalist Congress Party. So Sharad Pawarji, he started the Mahila Dhoran. And this year, 25 years has been completed for this Mahila Dhoran. And again, it was a pleasure to be with these young ladies. And hope this Mahila Dhoran also helps them to come forward. Thank you. Thank you. Firstly, I'm very happy to participate of Mr. and Mrs. Filmora.
and thanks to Akhilesh sir, thanks to Sahil sir, Sachin Yadav sir, and I'm very happy to participate. Thank you. Sachin Yadav, you have to tell me what you want. मिस्टर और मिस फिल्मोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूर दूर से देश के कोने कोने से बच्चे जब एक सपना लेकर के अनजान शहर मुंबई जब आते हैं तो लोगों को जो है कहीं जाने मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कहीं जब कुछ नहीं मिलता है, कटी पतंग की तरह जब बच्चे घूम रहे होते हैं तो वो मिस्टर और मिस फिल्मोरा ने काम किया है फर्स्ट सीजन में, जो बच्चों को बिना पैसे लिए, बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी एग्रीमेंट के, कुछ भी नहीं, और हमने डायरेक्ट ऑडिशन लेकर के और हम लोगों ने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है जहां से बच्चे एक अपना मुकाम बनाने के लिए ये जो विनर्स हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है 100% जो था वो 10,000% हो गया है। तो जहाँ तक अभी जो बच्चे मेरे साथ अभी आज हैं कॉन्फ्रेंस में तो ये देख करके उनकी खुशी से पता चलता है कि हम लोगों ने क्या किया है। पहले सबसे पहले मैं फिल्मोरा को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा और सेकेंड थिंग, इस शो का मैं शो डायरेक्टर था और अबाउट माय एक्सपीरियंस, मैंने अभी तक 42 शोज ये शो लेके कोरियोग्राफ कर चुका हूँ और मैंने ये शोज़ का जो कॉन्सेप्ट देखा मैंने फर्स्ट जब मेरी अखिलेश जी से बात हुई सो उस कॉन्सेप्ट में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, इस कम वन रियलिटी। तो मैंने उनसे ये चीज़ पर डिस्क्रिप्शन पूछा था रियलिटी क्या है और जो उनका वे था काम करने का एंड ही इज़ डूइंग इज़ वेरी गुड। सेकेंड थिंग्स होता है कि इस शो से बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है और वो हम अपॉर्चुनिटी देने वाले भी हैं क्योंकि मेरा खुद का एक वेब सीरीज़ भी आ रहा है द मंथ ऑफ फेब और मार्च के बाद कुछ हमारे अपकमिंग चीज़ें शूट भी हो रहे हैं, सॉन्ग्स भी आ रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है यहाँ से। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि फिल्मोरा के सीज़न 1 में जो भी मॉडल्स थे मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि वो किसी भी शोज में जाके एज अ कंटेस्टेंट वर्क करें क्योंकि हर एक चीज़ के बाद एक स्टेप होता है और मैं वो चाहूँगा कि वो बरकरार रहे। मैं नहीं चाहूँगा कि वो चीज़ें मैं वापस जाके आप इंट्रोडक्शन में बोले कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। सो फिल्मोरा का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं यही चाहूँगा कि वो आने वाले टाइम में स्टार बने, ये कंटेस्टेंट से ऊपर उठ के कभी जज बने, कभी शो स्टॉपर बने, कभी फैशन वीक में जाए क्योंकि मैं भी यहाँ से बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म देने वाला हूँ। साहिल सर और अखिलेश जी सर का दिल से इस्तकबाल करूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म पे चलाया जिससे बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी है और अच्छा करने की कोशिश करूँगा और आगे बढ़ूँगा। थैंक यू। मिस्टर एंड मिस फिल्मोरा फैशन रियलिटी शो सीजन 1 का थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं दिव्या। दिव्या क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका ये इस प्लेटफॉर्म को लेकर और कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे आप सिलेक्ट हुई, कैसे आप जीती, अबाउट द शो क्या कुछ कहना चाहेंगे दिव्या? ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका पूरे शो के टीम का थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि ये शो बहुत फ्लुएंटली चला गया। मतलब बहुत से ऐसे शोज़ होते हैं कि आज एक है तो 10 दिन के बाद दूसरा, फिर 10 दिन के बाद दूसरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे लिए। तो ये शो पूरा 1 वीक में स्टार्ट टू एंड हो गया। मतलब मैं आई ऑडिशन के लिए, देन प्रॉपरली मेरे को मैसेज आया कि आप इस चीज़ के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, यू आर इन द शो सेकेंड डे पे, एंड देन रिहर्सल का डेट आ गया कोरियोग्राफी का 2 डेज़ के बाद। फिर रिहर्सल में हमको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, ऑफकोर्स थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना प्रॉपर सबको ऐसा चॉइस किया कि सब अपने अपने काम में बहुत माहिर है। हमें साहिल सर और पंक्ति मैम का बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मिला टू गाइड अस, तो हमको गाइड बहुत अच्छे मिले। तो आफ्टर हम आगे हमारा कोरियोग्राफी हुआ, देन हमको हमेशा चीयर अप करने के लिए भी आपने, मतलब मुझे ऐसा लगता है अलग से इंसान रखा था। तो सचिन सर हमको हमेशा चीयर करते, ओके यू गर्ल्स कैन डू, यू बॉयज कैन डू, तो ही वाज द वन हु वाज वेरी बिग सपोर्टर। देन उसके बाद शो का डे आया, हम सब टेंशन में थे एंड देन वी ऑल वेर प्रिपेयरिंग फॉर द शो, हम लोग का टेक्निकल्स चल रहा है, यहाँ भागो वहाँ भागो, एंड देन मतलब हमारा शो जैसे स्टार्ट हो गया देन वी ऑल वेर लाइक शिट, हमारा ड्रेस का क्या, ड्रेस का क्या। देन आपने ड्रेस भी प्रोवाइड किया, ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि बहुत से ऐसे रियलिटी शोज़ होते हैं या फिर जो भी पेजेंट्स होते हैं वहाँ पर ड्रेस प्रोवाइड नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो दे आर नेवर इन अ प्रॉपर कंडीशन। तो आपने इतने अच्छे ड्रेस प्रोवाइड किए थ्रू तानिया मैम, ऑफकोर्स तानिया मैम उनका तो डिज़ाइंस मतलब वो तो अलग ही बात है, बट देन वी वर वेरी मच हैप्पी विद आवर ड्रेस। देन ड्रेस हो गया मतलब फ्रॉम हेड टू टो
सब परफेक्ट था, तो हम खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस हर एक लड़की में आया था. दो सब फ्रेशर्स थे बट देन हमको इतना कॉन्फिडेंट बना दिया था इस शो ने ना, कि हमको उस दिन पे ये नहीं दिया कि हम जीते या हारे, बस हम आज खुद पे कॉन्फिडेंट है और हम वॉक कर रहे हैं. तो वो बहुत अच्छी बात थी ये शो के बारे में, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है जो ये शो ने हमको दिया. और मुझे लगता है सारे लड़कियों को, सारे लड़कों को ये कॉन्फिडेंस मिल गया इस शो से कि हम हाँ आगे ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं. देन हमारा शो हो गया, हमारे जजेस, ओ माई गॉड, उनके क्वेश्चंस वर वेरी टफ, बट देन मज़ा आया कि हमको भी ऐसा कुछ मिला सीखने को कि हम अगर कोई और भी शो करते हैं तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे कि यस जजेस हमको ऐसे जज कर सकते हैं. मतलब द बेस्ट थिंग वॉज सिलेक्शंस. सिलेक्शन हर चीज़ का बहुत अच्छा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दो क्राउन्स, मतलब इंटरनेशनल शोज़ में भी ऐसा होता है कि क्राउन्स उतने अच्छे नहीं होते हैं जितना काम अच्छा हो जाता है, बट देन ये शो में क्राउन्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था. और इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि विनिंग क्राउन मिला तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट अ वेरी नाइस क्राउन. तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये शो का बहुत बहुत बढ़िया. आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक जवाबदारी बड़ी है कंधों पर, बहुत बड़ी जवाबदारी है विनर होने के बाद. आपको इन सब चीज़ों को और आगे लेके जाना है. क्या मानती हैं आपको कि कितनी जवाबदारी आपकी बढ़ी है ये विनर होने के बाद? जिम्मेदारी तो ऑफकोर्स बहुत बढ़ गई, क्योंकि क्राउन मिलने से पहले, ठीक है, क्राउन मिलने से पहले एक सिर्फ एक मॉडल थे कि हाँ ठीक है ये मॉडलिंग कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं. तब तक कोई हमको इतना फोकस में नहीं देखा करता था, बट देन अब जब से क्राउन है तो पीपल ये भी देखते कैसे चल रही है, क्या पहन रही है, क्या कर रही है. तो वो क्राउन के ओहदे को संभालने के लिए वी ऑलवेज हैव टू बी यस. दो हम लोग घर में रात को सो रहे हैं, देन वी हैव टू थिंक यस वी आर अ मॉडल, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको वैसे ही रहना है. मतलब जैसे कि अभी भी शाहरुख खान जो है वो आज भी उनके, मतलब सोते टाइम उनके सामने कैमरा होता है, दे स्लीप विद द कैमरा. मैं स्टार हूँ, मैं स्टार की तरह रहूँगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्मोरा की वजह से इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओके यू आर अ मॉडल, तो तुमको वैसे ही रहना है, तुम चाहे कुछ भी करो. दिव्या, आपसे ये भी जानना चाहूँगा चलते चलते, जो इस ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 पाइपलाइन में है हमारा, बहुत जल्दी हम डेट अनाउंस करने वाले हैं, कुछ उनसे अपील करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस का, और लोग अगर आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इस ब्यूटी पेजेंट से सीजन 2 से, तो कैसे जुड़ें और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? जिनको भी ये ब्यूटी पेजेंट से नेक्स्ट सीजन के लिए जुड़ना है, तो मैं तो कहूँगी आपको बहुत सारा गुड लक, क्योंकि आप बहुत अच्छे शो में एंटर कर रहे हो जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. और ऑफकोर्स मुझे ये शो के बाद तो अकेले सर पे भरोसा हो गया है कि कोई भी कंटेस्टेंट को तकलीफ तो नहीं आएगी. तो इसके लिए आपको अगर इस शो से जुड़ना है तो आप सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करें, इनके अपडेट्स आते रहते हैं. आप फेसबुक पे इनको फॉलो कर सकते हैं, इनका नया सीज़न जब भी आ रहा है ऑफकोर्स वो लोग अपडेट्स डालेंगे, तो आप उससे उनसे जुड़िए. उनका रजिस्ट्रेशन नंबर्स होगा, जो भी है आप कॉन्टैक्ट कीजिए, और आई अश्योर यू कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और शो बहुत फ्लुएंटली फ्लो होगा. यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाई द शो. थैंक यू. विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं अनिल जी नायर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा. इन्होंने जैसे अभी आपने देखा कि सभी मुझे क्रेडिट दे रहे थे और क्या कहते हैं अखिलेश चालीसा भी पढ़ रहे थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब के पीछे अनिल जी नायर हैं, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मैं इन्हें इन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा अनिल जी नायर का, डिप्लोमेट मिशन ऑफ इंडिया जी अनिल नायर जी चेयरमैन है उसके. हम लोगों ने पूरा शो दोनों लोगों ने बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ. तो मैं चाहूँगा कि अनिल जी कुछ कहें इस शो के बारे में. और हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स मीडिया. देखो इसमें अभी एक्चुअली ऐसा है, अभी हम लोग ने एक कोलाबरेट करके हम लोगों ने जो प्रोग्राम अभी जो जस्ट दिसंबर 10 को हम लोगों ने जो किया इंटरनेशनल मानवाधिकार डे को, जो हम लोगों ने सिक्को में जो प्रोग्राम किया उसमें हमने एसोसिएट होकर हम लोगों ने काम किया है. तो सामने तो दिखाया सब लोग को कैसे काम होता है, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा काम का स्टैंडर्ड क्या है, स्टाइल क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है. तो ये क्वालिटी लोगों को लेके हम लोग कुछ सेलेक्टेड लोगों को लेके हम लोगों ने इन्वाइट किया, उनको हमने अवार्ड दिया, उनको हमने हमारा जो भी मिशन का तरफ है हमने उनको पार्टिसिपेट किया. पार्टिसिपेट किया मतलब हम लोगों ने उनको कन्वोकेशन भी दिया और हम लोगों ने उनको जो आया जो जस्ट हमारा इसमें आया उनको हमने क्वालिफाइड किया. सेकेंडरी हम लोग ने जो फिल्मोरिया का तरफ है जो फैशन शो प्लान किया, प्लान करके वो भी हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया,
वो भी हमारा जो यंग लोग है, जो लेडीज़ एंड जेंट्स जो इंडस्ट्री के साथ अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, और उनको हम लोग ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया फिल्मोरिया की तरफ से, अग्लेशी की तरफ से। उसमें हम लोग ने हमारा जो मिशन डिप्लोमेट मिशन इन ग्लोबल पीस सपोर्ट किया, तो ये वुमेन एम्पावर की तरफ से हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। जो लेडीज़ है जो ये इंडस्ट्री के साथ, उनको आगे मौका के लिए और उनको अपॉर्चुनिटी के लिए, उनका करियर के लिए हम लोग ने उसको सपोर्ट किया है। तो ये तरफ से हमारा जो फैशन शो जो उसी टाइम हम लोग प्लान किया, उसमें विनर्स आया, टाइटल्स आया, 3 टाइटल्स, बाकी जो सब टाइटल्स वगैरह जो जीता है उनको हमारा तरफ है, डिप्लोमेट मिशन का तरफ है, डिप्लोमेटिक एम्बेसडर तरफ है। आई एम ऑलरेडी इन उनको ऑलरेडी हमारे तरफ से हम उसको बधाई दे रहा हूँ हृदय से, पूरा मिशन का तरफ है। तो वी आर ऑलरेडी वर्क विथ द 77 कंट्रीज, द डिप्लोमेटिक मिशन वर्किंग फॉर द 77 कंट्री। हमारा मिशन इंटरनेशनल लेवल से एक्टिविटी करते हैं, उसका एक पार्ट हम लोग इंडिया में ये सब प्रोग्राम को कर रहा हूँ। तो फैशन इंडस्ट्री को हम लोग ने एक अलग नज़रिया से देख रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ मतलब क्या है, वो इंडस्ट्री में जो पहले का जो वो नज़र था उसमें से हम लोग ने उसको थोड़ा अलग से देख रहा हूँ। वुमेन एम्पावर के लिए उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या है, उनको एक आइडेंटिटी मिलते हैं, उनको एक करियर मिलते हैं, और उनको एक अलग लेवल पर समाज में एक अलग लेवल पर उनको एक इज्जत मिलते हैं। तो इसके लेवल पर हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए अगले जी के साथ और बाकी जो जितना भी जो लोग हैं उनको के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा जो फैशन मैगजीन है द निश इंटरनेशनल फैशन अरीना, तो उसको भी हम लोग ने इसके तरफ है, जो भी विनर्स आया, जो भी इसमें पार्ट हो गया, उन लोग हम लोग उसका कवर पेज में हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, उनका आर्टिकल्स और फोटोज़ वगैरह हम लोग डाल देंगे। उसमें हम लोग ने इजिप्ट के साथ टाइप किया दिस मैगजीन को, द निश फैशन अरीना इंटरनेशनल, उसका मैं इंडिया का प्रेजेंट डायरेक्टर हूँ, और डिप्लोमा मिशन का मैं इंडिया का डिप्लोमेटिक एम्बेसडर हूँ, और मेरा जो कंसल्टेंसी एंड कंसल्टेंसी इंडिया तो उसका मैं फाउंडर हूँ इंडिया का। तो ये तरफ है हम लोग ने इंटरनेशनल लेवल पे, बाद में हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कनेक्टिवेशन हम लोग को जो डिप्लोमा मिशन का यूनाइटेड नेशन के साथ, हमारा जो यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग ने ऑलरेडी ऑनरी डॉक्टरेट वगैरह प्रोग्राम किया है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग इन फ्यूचर का प्लान करने का काम करने का प्लान है, उसमें आप लोग का सबको सपोर्ट चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। रोल, आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का बात है या दिन है ये कह सकते हैं। हमारे विनर्स को ये, मैं पहले सबसे पहले इनका परिचय करा दूँ। राहुल जी भट्ट है, म्यूज़िक डायरेक्टर, और आज हमारे विनर को, जो हमारे विनर हुए हैं उनमें से एक किसी को टी सीरीज़ का एल्बम है, 4 एल्बम हमें मिला हुआ है, और हम जा रहे हैं शूट करने के लिए, हमारे विनर को लेकर हम शूट करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है, मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने ये अनाउंस करना चाहूँगा, और मैं राहुल जी से विनंती करूँगा कि कुछ कहें इस ब्यूटी प्रेजेंट को लेकर और एल्बम को लेकर, क्या है एल्बम जी। मैं सबसे पहले तो अखिलेश जी को बधाई देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए कि आप और तरक्की करें, और दूसरा बात है कि हम जो एल्बम करने जा रहे हैं तो इन्हीं का सपोर्ट है, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मैंने म्यूज़िक किया है और ये डायरेक्शन करा है अखिलेश जी, और आप लोग सभी लोगों की शुभकामनाएँ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि हम छोटा सा एक काम शुरू कर रहे हैं, तो इसको आप लोग की दुआओं से और ज़्यादा बड़ा करेंगे हम लोग, ऐसा भविष्य में चाहता हूँ। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि राहुल जी भट्ट अभी 370 धारा 370 रिलीज हुई है, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और म्यूज़िक बहुत ही काबिले तारीफ़ है उस फिल्म की। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ दूँगा इनके फिल्म के लिए और इनके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए।